नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को कई वर्षों की उन्हें तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। आइए जानते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के क्या नियम हैं। साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई प्रातःकाल 11:22 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 मई दोपहर 1:50 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 7:10 से दोपहर 12:18 तक। द्वादशी तिथि दोपहर 3:58 पर समाप्त होगी। एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। साल 2024 में मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 19 मई प्रातःकाल 5:28 से प्रातःकाल 8:12 तक किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना लाभकारी होता है। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा को चंदन, अक्षत फल, फूल, नारियल और मेवे अर्पित करें। आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते रखें, क्योंकि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय हैं। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप कर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती कर पूजा संपन्न करें। मोहिनी एकादशी के कुछ नियम भी हैं। सभी व्रतों की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पशु पक्षियों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। एकादशी व्रत में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी को जल देना चाहिए। आप चाहें तो एक दिन पहले तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइकन बेल को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। थैंक यू ऑल। जय माता दी, जय श्री राम।